हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और असाइनमेंट मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे हम कुछ 4 या 5 वीडियो बनाएंगे, तो आप उन वीडियोज को नंबर वाइज नंबर देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बेसिकली इज जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली क्या होती है वो हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मिनिमाइजेशन मॉडल होता है हमारे पास। और सेकंड है द कॉलम विच इज इंट्रोड्यूस इन द मैट्रिक्स टू बैलेंस बैलेंस द रिम रिक्वायरमेंट इज नोन एज, यानी कोई भी कॉलम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसको हम कहेंगे डमी कॉलम। और अगला क्वेश्चन अपने पास द रो विच इज इंट्रोड्यूस इन द मैट्रिक्स टू बैलेंस द रिम रिक्वायरमेंट इज नोन एज, वो हमें पास डमी रो के नाम से जानी जाएगी। फ्रेंड्स, वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रिसोर्स एलोकेशन मॉडल एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और रिसोर्स एलोकेशन मॉडल के बीच में फ्रेंड्स डिफरेंस क्या होता है, ये हमारे पास इसका एक आंसर है अपने पास। द कोएफिशिएंट ऑफ प्रॉब्लम वेरिएबल इन रिसोर्स एलोकेशन मॉडल मे बी एनी नंबर एंड इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इट मस्ट बी आइदर 0 और 1, ये इसका फ्रेंड्स डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है फ्रेंड्स। टू कन्वर्ट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वी हैव टू, अगर किसी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिनिमाइज होती है, लेकिन अगर उसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मैक्सिमम नंबर होता है उसमें से बाकी नंबर्स को माइनस कर देते हैं। और हम उसमें कर सकते हैं फ्रेंड्स टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय -1, मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेयर द डिमांड एंड रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू द अवेलेबल रिसोर्स इज नोन एज, अगर डिमांड और रिक्वायरमेंट दोनों इक्वल हो तो फ्रेंड्स हमारे पास बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है, या फिर उसको कैसे, सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर हो रिसोर्स एलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है अगर हमारे पास डिमांड और जो डिमांड हो और रिक्वायरमेंट हो दोनों इक्वल हो, और इसमें क्या रहेगा डिमांड रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू द अवेलेबल रिसोर्स, वो अवेलेबल रिसोर्स के इक्वल है तो उस कंडीशन में उसको हम रिसोर्स एलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे।